हेलो दोस्तों, आईटीसी के बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर कब आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी अक्टूबर 19 थर्सडे के दिन क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट से पहले इंपॉर्टेंट बिजनेस और फाइनेंशियल्स दोनों देख लेते हैं। तो ये है फाइनेंशियल्स। ग्रॉस रेवेन्यू कैसा हुआ है आईटीसी का, तो आप देखिए रेवेन्यू मतलब जो कमाई है उनका 7.3% नेगेटिव, मतलब गिरा है। लास्ट ईयर 18,164 करोड़ था, इस बार 16,843 करोड़। लेकिन क्या इसका इंपैक्ट प्रॉफिट्स में हुआ है, तो प्रॉफिट में इंपैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट प्रॉफिट 17.6% बढ़े हैं, 4,169 करोड़ से 4,903 करोड़। तो ये क्यों ऐसा हुआ हो सकता है, तो बहुत सारे इसके कारण होते हैं कि कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उन्होंने मार्जिन एक्सपेंशन किया हो तो उसके कारण से भी प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। फिर रेवेन्यू तो ठीक है कम हुआ है, लेकिन जो मेन जो बिजनेस है जहां से प्रॉफिट्स आते हैं, खासकर जो सिगरेट का बिजनेस है, वहां पर उन्होंने अच्छा किया हो। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू का जब हम उसको बाइफरकेट करते हैं तो 16,843 करोड़ में मैक्सिमम 40% से ज्यादा रेवेन्यू आता है सिगरेट बिजनेस से। उसके बाद एफएमसीजी अदर्स बिजनेस। एफएमसीजी अदर्स कौन सा बिजनेस है, ये वाले ब्रांड्स। हो सकता है कुछ ब्रांड्स को आप डेली यूज भी करते हो, जैसे सनफीस्ट है, क्लासमेट, आशीर्वाद, सनराइज, निमाइल, फिर आईटीसी, मास्टर शेफ या फिर डर्माफिक, ये सब जो ब्रांड्स हैं इनको बहुत सारे ब्रांड्स शायद घर में भी हमारे मिलते हो। तो ये भी अच्छा किया है, 16% इन्होंने भी ग्रो किया है। होटल बिजनेस उनके लिए तो बहुत ही अच्छा साल रहा है, वो भी ग्रो किया है। लेकिन एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड का बिजनेस, यहां पर हमको डीग्रोथ देखने को मिला है। तो इसको समझना जरूरी है, इसको हम थोड़ी देर के बाद समझने वाले कि यहां पर क्यों डीग्रोथ हुआ है और क्या ये अलार्मिंग है या फिर चिंता की बात है, उसको हम समझेंगे। अब हम एफएमसीजी अदर्स, ये जो वाला जो बिजनेस है, जो ब्रांड जो ऑलमोस्ट हम लोग घर में यूज करते हैं, इसको समझते हैं। 3-4 साल पहले बहुत क्रिटिसिज्म भी होता था कि रेवेन्यू कम आता है, मार्जिन भी इसके कम है, लेकिन अब चीज थोड़ा टर्न अराउंड हो रही है इस बिजनेस में। आप देख सकते हैं 3,060 करोड़ का उनका अप्रैल टू जून 2019 में रेवेन्यू था, अभी देखेंगे 5,166 करोड़ का रेवेन्यू। तो पिछले कुछ साल में रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं, मतलब ये बिजनेस अच्छा कर रहा है। अब अच्छा कर रहा है, सामान तो बिक रहा है, रेवेन्यू से उतना पता चल रहा है, लेकिन क्या प्रॉफिट्स कर रहे हैं, मार्जिन कर रहे हैं? तो देखिए ये 2017 मार्च में सिर्फ 265 करोड़ का क्या था, एबिटा था, और 2.5% का मार्जिन था। ठीक है, अब मार्जिन 10% है, मतलब 4 times मार्जिन बढ़ा है और प्रॉफिट में भी ये बिजनेस धीरे धीरे करके 1954 करोड़ का एबिटा यहां पर भी हुआ है। फिर बाद में डेप्रिसिएशन, फिर टैक्सेस जाएंगे तो फिर और थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन ये बिजनेस धीरे धीरे मार्जिन जो है उनका गेन हो रहा है, ये एक पॉजिटिव चीज इस बिजनेस में देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बात करेंगे कि क्यों डिक्लाइन हुआ है एग्री बिजनेस और पेपर बोर्ड का बिजनेस। तो एग्री बिजनेस में जितना समझ में आ रहा है कि कंपनी की तरफ से कोई गलती नहीं है, यहां पर गवर्नमेंट ने ही एक पॉलिसी चेंज किया है जहां पर वीट और राइस को बैन कर दिया है, तो उससे क्या हो रहा है, इंपैक्ट पड़ गया है किसमें, एग्री बिजनेस के रेवेन्यूज में। ठीक है, फिर पेपर बोर्ड का बिजनेस, ये बिजनेस ग्लोबल स्लोडाउन के कारण से इंपैक्ट हुआ है। प्लस दूसरी चीज, एक तो स्लोडाउन है मतलब डिमांड कम है, और दूसरी चीज चाइना ने भी डंपिंग शुरू कर दी है, तो उससे क्या हो गया है कि जो प्राइस है पल्प के, जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर गए हैं। तो इस बिजनेस में एक तो रेवेन्यू का भी प्रॉब्लम, मार्जिन का भी प्रॉब्लम, तो ये दोनों यहां पर हो गए। अब ये देखना है कि ये कितने क्वार्टर तक ये चैलेंज रहता है, अभी तो फिलहाल चैलेंज है। ठीक है, और ऐसा ही कुछ चैलेंज हमको देखने को मिल रहा है चाइना डंपिंग का, और ये सब जो स्पेशलिटी केमिकल्स और जो केमिकल कंपनीज है उनके भी रिजल्ट देखिए बहुत अच्छे नहीं आए थे क्वार्टर वन के रिजल्ट में। ठीक है, तो उनको भी ऐसा ही चैलेंज देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोबल मतलब एक आप सोच सकते हैं कि एक कमोडिटी में ही चैलेंज जैसा माहौल अभी चल रहा है, तो यही देखना है, वेट एंड वॉच करना है कि कब ये चीजें थोड़ा टर्न अराउंड या अच्छा होना शुरू होती है। बट क्या इसका इंपैक्ट प्रॉफिट में पड़ रहा है, तो देखिए ये है टोटल एबिट 6,546 करोड़ का। ठीक है, मतलब ये कमाई है। अब उसमें से 70% सिगरेट से आता है, 4,656 करोड़। दैट मींस अगर एग्री वाला बिजनेस अच्छा नहीं भी किया है तो भी शायद बहुत इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि 70% से ज्यादा तो अभी भी प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूशन सिगरेट वाला बिजनेस का है। तो ये बिजनेस स्टेडी ग्रो कर रहा है 11-13%। बट यस, इस बिजनेस का थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो जाता है। क्रिटिसिज्म क्या हो जाता है, क्योंकि ईएसजी वाला जो चीज है, अब जैसे आप आईटीसी को देखिए, पी रेशियो कितना है, 28 है। पी रेशियो क्या होता है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। लेट्स से 1 rupees का अर्निंग किया है या प्रॉफिट किया है तो मार्केट ने 28 times वैल्यूएशन दिया है। लेकिन जो दूसरी एफएमसीजी कंपनीज है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या फिर मैरिको हो गया, अगेन आईटीसी को फुल कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि आईटीसी कॉन्ग्लोमरेट है, उसमें होटल बिजनेस और फिर सिगरेट बिजनेस भी आ गया। लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, उनको अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो 50 से ऊपर उनका मिला हुआ होता है। अब देखिए जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर 57 का पी यहां पर मिला हुआ है, सिमिलरली मैरिको का भी आप देखिए 50 से ऊपर उनको पी रेशियो यहां पर मिला हुआ है, बट आईटीसी को 27-28, क्योंकि ये बिजनेस अच्छा है। कौन सा, सिगरेट का, यहां से प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन थोड़े ईएसजी कंसर्न्स आ जाते हैं किसी इन्वेस्टर को, खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुछ ईएसजी कंसर्न लेके आ जाते हैं।
दूसरा गवर्नमेंट रेगुलेटरी इश्यू भी कभी कभी आ जाते हैं। हर साल जो टैक्स का जो बात आती है बजट से पहले जनवरी फरवरी में, तो थोड़ा सा धक-धक करता है दिल की, अरे कोई बड़ा टैक्स यहां पर आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि इंपैक्ट पड़ सकता है वॉल्यूम्स पर। बाकी यही बिजनेस है मैक्सिमम यहां से प्रॉफिट ला रहा है, बाकी पेपर बोर्ड भी प्रॉफिट ला रहा है लेकिन उनका प्रॉफिट कम हुआ है। एग्री बिजनेस का भी यहां पर प्रॉफिट में थोड़ा सा योगदान है। अब आने वाले टाइम में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, वो है डीमर्जर। किसका? जो अभी कॉन्ग्लोमेरेट में होटल बिजनेस है उसका डीमर्जर हो जाएगा, और डीमर्जर एक अलग कंपनी का यहां पर होगा। तो उसमें क्या होगा, आईटीसी 40% ओन करेगी किसको, होटल बिजनेस को, और 60% शेयर होल्डर्स ओन करेंगे। तो किस तरीके से होने वाला है, से आपके पास 10 शेयर है आईटीसी के, तो आपको 1 शेयर मिलेगा होटल बिजनेस का। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए अभी तक डेट साइन नहीं है, अभी तो खाली प्रोसेस और अप्रूवल्स ही चल रहे हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, जैसे ये सब प्रोसेस खत्म होने में सितंबर 2024 हो सकता है, और एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर इसी समय में अक्टूबर नवंबर के समय में शायद लिस्टिंग हो। बट अगेन ये बहुत ही अभी बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि किस तरीके से अप्रूवल्स आते हैं वो सब देखना भी जरूरी हो जाता है। बट एक इंटरेस्टिंग यहां पर डीमर्जर जैसी सिचुएशन हो रही है। तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स आईटीसी की तरफ से आए हुए हैं। अब अक्टूबर 19 को यही देखना है कि जैसा स्टेडी परफॉर्मेंस चल रहा है वैसा ही चलता रहे, कोई नेगेटिव बड़ा सरप्राइज ना आ जाए। ठीक है, इतना पता है हम लोगों को कि एग्री बिजनेस या पेपर बोर्ड का जो बिजनेस है थोड़ा अच्छा नहीं किया है क्वार्टर वन में, कोई नेगेटिव शॉक ना आ जाए वो भी देखना जरूरी, उससे थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और जो दूसरा जो बिजनेस है जो कि जो तंबाकू का बिजनेस है और जो एफएमसीजी का बिजनेस है वो भी स्टेडी ग्रो करता रहे, तो वो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने की रहेंगी अक्टूबर 19 को। लास्ट में दोस्तों बैच 3 हम लोग लेकर आए हैं, AI पावर्ड मल्टी बैगर मास्टरी, 7 लाइव क्लासेस होने वाली है और अक्टूबर 25 से 31 ये होने वाली है, ठीक दशहरा के बाद में ये क्लासेस होने वाली है। और इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होने वाला है वो ये है, 3 फ्री कोर्सेस आपको मिल रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन कोर्स 1300, सेक्टर सिलेक्शन 1000 और डिविडेंड इन्वेस्टिंग 800, मतलब 3100 रुपीस के कोर्सेस आपको फ्री में मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप अभी ही अप्लाई करते हैं, इनरोल करते हैं, तो आप इनके 30+ वीडियोस अभी से ही देख सकते हैं। 65% का बड़ा डिस्काउंट है, ये फेस्टिवल डिस्काउंट को भी आप अवेल कर सकते हैं। आपको WhatsApp कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलेगा जहां पर बहुत ही कम लोग रहेंगे और आप डायरेक्टली मेरे साथ और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी के ऐप को डाउनलोड करना है, बहुत अच्छी रेटिंग भी है हमारे ऐप को, एंड्रॉइड में कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर आपके पास एप्पल है तो LGIGZ करके यहां कोड होने वाला है दोस्तों, तो आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो इस 7 डेज में फंडामेंटल एनालिसिस और इन्वेस्टर साइकोलॉजी समझेंगे, अलग अलग सेक्टर और सेक्टर एनालिसिस समझेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियोज वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे, AI टूल पर फोकस होने वाला है, AI टूल्स के मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, यहां पर लाइव प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे जहां पर एनुअल रिपोर्ट्स ब्रोकरेज रिपोर्ट की एनालिसिस करेंगे, डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर हम लोग एक क्लास लेने वाले हैं, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज और चेकलिस्ट पर फोकस होगा, और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पर भी फोकस होने वाला है, और बोनस तो 3100 का कोर्सेस जो है वो तो फ्री मिलने वाले ही हैं। और उसके अलावा दोस्तों फ्री मटेरियल्स भी मिलेंगे, क्योंकि चैट जीपीटी और AI टूल्स पर फोकस है, तो AI प्रॉम्प्ट्स में आपको बताने वाला हूं जिनका इनफाइनाइट कीमत होने वाला है दोस्तों, एक्सक्लूसिव लर्निंग मटेरियल्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसका वर्थ 1500 से ऊपर है। आपको रिकॉर्डिंग्स हमेशा के लिए आपके लिए अवेलेबल होगी, सोच लीजिए लाइव क्लास किसी दिन नहीं कर पाए या फिर कभी फ्यूचर में आपको रेफर करना है तो रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके लिए हमेशा रहने वाला है, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होने वाले हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट छोटा बैच हम लोग यहां पर प्लान कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, दशहरा के बाद ये कोर्स शुरू होने वाला है अक्टूबर 25 से 31, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद आपके टाइम के लिए, थैंक यू दोस्तों।